सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम राजधर्मानुशासन पर्व 36वां अध्याय। स्वयंभू मनु के कथनानुसार धर्म का स्वरूप, पाप से शुद्धि के लिए प्रायश्चित, अभक्ष्य वस्तुओं का वर्णन तथा दान के अधिकारी एवं अनधिकारी का विवेचन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? किस वस्तु का दान उत्तम माना जाता है और कौन दान का पात्र है अथवा कौन अपात्र, ये सब मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में लोग प्रजापति मनु और सिद्ध पुरुषों के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले की बात है, एक समय बहुत से व्रत परायण तपस्वी ऋषि एकत्र हो प्रजापति राजा मनु के पास गए और उन बैठे हुए नरेश से धर्म की बात पूछते हुए बोले, प्रजापते, अन्न क्या है, पात्र कैसा होना चाहिए, दान, अध्ययन और तप का क्या स्वरूप है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, ये सब हमें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान स्वयंभुव मनु ने कहा, हे महर्षियों, मैं संक्षेप और विस्तार के साथ धर्म का यथार्थ स्वरूप बताता हूं, आप लोग सुने। जिनके दोषों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं हुआ है, ऐसे कर्म बन जाने पर उनके दोष के निवारण के लिए जप, होम, उपवास, आत्मज्ञान, पवित्र नदियों में स्नान तथा जहां जप, होम आदि में तत्पर रहने वाले बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों, उस स्थान का सेवन, ये सामान्य प्रायश्चित हैं। ये सारे कर्म पुण्यदायक हैं। पर्वत, सुवर्ण प्राशन, सोने से स्पर्श कराया हुआ जल का पान, रत्न आदि से मिश्रित जल में स्नान, देव स्थानों की यात्रा और घृतपान, ये सब मनुष्यों को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। विद्वान पुरुष कभी गर्व न करे और यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो 3 रात तप्त कृच्छ्र व्रत की विधि से गरम गरम दूध, घृत और जल पिए। बिना दी हुई वस्तुओं का ना लेना, दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, सत्य बोलना, क्रोध त्याग देना और यज्ञ करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना एवं हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्था विशेष में धर्म माने गए हैं। इस प्रकार विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों ही देश काल के भेद से दो दो प्रकार के हैं। धर्माधर्म में जो अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति होती है, ये भी लोक और वेद के भेद से दो प्रकार की हैं, अर्थात लौकिकी अप्रवृत्ति और लौकिकी प्रवृत्ति, वैदिकी अप्रवृत्ति और वैदिकी प्रवृत्ति। वैदिकी अप्रवृत्ति निवृत्ति धर्म का फल है अमृतत्व, मोक्ष, और वैदिकी प्रवृत्ति अर्थात सकाम कर्म का फल है जन्म मरण रूप संसार। लौकिकी अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति, ये दोनों यदि अशुभ हों तो उनका फल भी अशुभ समझें तथा शुभ हों तो उनका फल भी शुभ जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शुभ और अशुभ रूप होती हैं। देवताओं के निमित्त दैवयुक्त शास्त्रीय कर्म, प्राण और प्राणदाता, इन चारों की अपेक्षा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उससे अशुभ का भी शुभ ही फल होता है। प्राणों पर संशय न होने की स्थिति में अथवा किसी प्रत्यक्ष लाभ के लिए जो यहाँ अशुभ कर्म बन जाता है उसे इच्छा पूर्वक करने के कारण उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित का विधान है। यदि क्रोध और मोह के वशीभूत होकर मन को प्रिय या अप्रिय लगने वाले अशुभ कार्य हो जाते हैं तो उनके निवारण के लिए दृष्टांत प्रतिपादक शास्त्र की दृष्टियों से उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखाना ही योग्य प्रायश्चित माना गया है। इसके सिवा हविष्यान्न भोजन, मंत्रों के जप तथा अन्यान्य प्रायश्चितों से भी क्रोध आदि के कारण किए गए पाप की शांति होती है।
यदि राजा दंडनीय पुरुष को दंड ना दे तो उसे अपनी शुद्धि के लिए एक रात का उपवास करना चाहिए। यदि पुरोहित राजा को ऐसे अवसर पर कर्तव्य का उपदेश ना दे तो उसे 3 रात का उपवास करना चाहिए। यदि पुत्र आदि की मृत्यु के कारण शोक करने वाला पुरुष आमरण उपवास करने के लिए बैठ जाए अथवा शस्त्र आदि से आत्मघात की चेष्टा करे परंतु उसकी मृत्यु ना हो, उस दशा में भी उस निंद्य कर्म के लिए जो चेष्टा की गई थी उसके दोष की निवृत्ति के लिए उसे 3 रात का उपवास बताना चाहिए। परंतु जो मनुष्य अपनी जाति आश्रम तथा कुल के धर्मों का सर्वथा परित्याग कर देते हैं और जो लोग धर्म मात्र को छोड़ बैठते हैं उनके लिए कोई धर्म कोई प्रायश्चित नहीं है, अर्थात किसी भी प्रायश्चित से उनकी शुद्धि नहीं हो सकती है। यदि प्रायश्चित की आवश्यकता पड़ जाए और धर्म के निर्णय में संदेह उपस्थित हो जाए तो धर्मशास्त्र को जानने वाले 10 अथवा निरंतर धर्म का विचार करने वाले 3 ब्राह्मण उस प्रश्न पर विचार करके जो कुछ कहें उसे ही धर्म मानना चाहिए। बैल, मिट्टी, छोटी छोटी चीटियां, श्लेष्मातक यानी लसोड़ा और विष, ये सब ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य हैं। कांटों से रहित जो मत्स्य हैं वे सभी ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य हैं। कच्छप और उसके सिवा अन्य 4 पैर वाले सभी जीव अभक्ष्य हैं। मेंढक और जल में उत्पन्न होने वाले अन्य जीव भी अभक्ष्य ही हैं। मांस, हंस, गरुण, चक्रवाक, बतख, बगुले, कौवे, मदगु, गीध, बाज, उल्लू, कच्चे मांस खाने वाले दाढ़ों से युक्त सभी हिंसक पशु, 4 पैर वाले जीव और पक्षी तथा दोनों ओर दांत और 4 दाढ़ों वाले सभी जीव अभक्ष्य हैं। भेड़, घोड़ी, गधी, ऊंटनी, 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय, मानवी स्त्री और हिरणियों का दूध ब्राह्मण ना पिए। यदि किसी के यहाँ मरणा शौच या जनना शौच हो गया हो तो उसके यहाँ 10 दिनों तक कोई अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गाय का दूध भी यदि 10 दिन के भीतर का हो तो उसे नहीं पीना चाहिए। राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है, सुनार का तथा पति और पुत्र से हीन युवती का अन्न आयु का नाश करता है, ब्याजखोर का अन्न विष्ठा के समान है और वेश्या का अन्न वीर्य के समान। जो अपनी स्त्री के पास किसी उपपति का आना सह लेते हैं उन कायरों का तथा सदा स्त्री के वशीभूत रहने वाले पुरुषों का अन्न भी वीर्य के ही तुल्य है। जिसने यज्ञ की दीक्षा ली हो उसका अन्न अग्निशोमीय होम विशेष के पहले अग्राह्य है। कंजूस, यज्ञ बेचने वाले, बढ़ई, चर्मकार या मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य तथा चौकीदार का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिन्हें किसी समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हों, छोटे भाई का ब्याह हो जाने पर भी कुमारे रह गए हों, बंदी, चारण या भाट का काम करते हों या जुआरी हों, ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। बाएं हाथ से लाया अथवा परोसा गया अन्न, बासी भात, शराब मिला हुआ, जूठा और घरवालों को ना देकर अपने लिए बचाया हुआ अन्न भी अखाद्य ही है। इसी प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख के रस, साग या दूध को बिगाड़कर या सड़ाकर बनाए गए हों, सत्तू, भुने हुए जौ और दही मिश्रित सत्तू, इन्हें विकृत करके बनाए हुए पदार्थ यदि बहुत देर के बने हों तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। खीर, खिचड़ी, फल का गूदा और पुए यदि देवता के उद्देश्य से न बनाए गए हों तो गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए खाने पीने योग्य नहीं है। गृहस्थ को चाहिए कि वो पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, अतिथियों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे अपना भोजन करे। जैसे गृह त्यागी सन्यासी घर के प्रति अनासक्त होता है, उसी प्रकार गृहस्थ को भी ममता और आसक्ति छोड़कर ही घर में रहना चाहिए।
जो इस प्रकार सदाचार का पालन करते हुए अपनी प्रिय पत्नी के साथ घर में निवास करता है, वो धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वो यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दे, अर्थात उसे जो दिया जाए वो दान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो नाचने गाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, भांड आदि, मदमत्त, उन्मत्त, चोर, निंदक, गूंगे, कांतिहीन, अंगहीन, बौने, दुष्ट, दूषित कुल में उत्पन्न तथा व्रत एवं संस्कार से शून्य हो, उन्हें भी दान न दें। श्रोत्री के सिवा वेद ज्ञान शून्य ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जो उत्तम विधि से दिया ना गया हो तथा जिसे उत्तम विधि के साथ ग्रहण ना किया गया हो, वो देना और लेना दोनों ही देने और लेने वाले के लिए अनर्थकारी होते हैं। जैसे खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का सहारा लेकर समुद्र पार करने वाला मनुष्य बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार अविधि पूर्वक दान देने और लेने वाले यजमान और पुरोहित दोनों डूब जाते हैं। जैसे गीली लकड़ी से ढकी हुई आग प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय तथा सदाचार से हीन ब्राह्मण यदि दान ग्रहण कर ले तो वो उसे पचा नहीं सकता। जैसे मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध आश्रय दोष से अपवित्र होता है, उसी प्रकार सदाचारहीन ब्राह्मण का शास्त्र ज्ञान भी आश्रय स्थान के दोष से दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद ज्ञान से शून्य और शास्त्र ज्ञान से रहित होता हुआ भी दूसरों में दोष नहीं देखता तथा संतुष्ट रहता है, उसे तथा व्रत शून्य दीनहीन को भी दया करके दान देना चाहिए। पर जो दूसरों का बुरा करने वाला हो, वो यदि हीन हो तो भी उसे दया करके दान नहीं देना चाहिए। ये शिष्टों का आचार है और यही धर्म है। वेद विहीन ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अपात्र दोष से निरर्थक हो जाता है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का बना हुआ मृग हो, उसी प्रकार वेद शास्त्रों के अध्ययन से शून्य ब्राह्मण है। ये तीनों नाम मात्र धारण करते हैं, परंतु नाम के अनुसार काम नहीं देते। जैसे नपुंसक मनुष्य स्त्रियों के पास जाकर निष्फल होता है, गाय गाय से ही संयुक्त होने पर कोई फल नहीं दे सकती, और जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार वेद मंत्रों के ज्ञान से शून्य ब्राह्मण भी व्यर्थ ही होता है। जिस प्रकार अन्नहीन ग्राम, जल रहित कुआं और राख में की हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी व्यर्थ ही है। मूर्ख ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ और पितरों के श्राद्ध का नाश करने वाला होता है। वो धन का अपहरण करने वाला शत्रु है। वो दान देने वालों को उत्तम लोक में नहीं पहुंचा सकता। भरत भूषण युधिष्ठिर, ये सब वृत्तांत तुम्हें यथावत रूप से थोड़े में बताया गया। ये महत्वपूर्ण प्रसंग सबको सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। 37वां अध्याय। व्यास जी तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर का नगर में प्रवेश। युधिष्ठिर बोले, भगवन, महामुने, द्विजश्रेष्ठ, मैं चारों वर्णों के संपूर्ण धर्मों का तथा राजधर्म का भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूं। हे द्विजश्रेष्ठ, आपत्ति काल में मुझे कैसी नीति से काम लेना चाहिए? धर्म के अनुकूल मार्ग पर दृष्टि रखते हुए मैं किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय पा सकता हूं? भक्ष्य और अभक्ष्य से रहित उपवास स्वरूप प्रायश्चित की ये चर्चा बड़ी उत्सुकता पैदा करने वाली है। ये मेरे हृदय में हर्ष सा उत्पन्न कर रही है। एक ओर धर्म का आचरण और दूसरी ओर राज्य का पालन, ये दोनों सदा एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ये सोचकर मुझे निरंतर चिंता बनी रहती है और मेरे चित्त पर मोह छा रहा है।
वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज तब वेद वेताओं में श्रेष्ठ व्यास जी ने सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे प्राचीन नारद जी की ओर देखकर युधिष्ठिर से कहा, महाबाहु नरेश्वर, यदि तुम धर्म का पूर्ण रूप से विवेचन सुनना चाहते हो तो कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म के पास जाओ। गंगा पुत्र भीष्म संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सर्वज्ञ हैं। वो धर्म रहस्य के विषय में तुम्हारे मन में स्थित हुए संपूर्ण संदेहों का निवारण करेंगे। जिन्हें दिव्य नदी त्रिपथगा गंगा देवी ने जन्म दिया है, जिन्होंने इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का साक्षात दर्शन किया है तथा जिन शक्तिशाली भीष्म ने बृहस्पति आदि देवर्षियों को बारंबार अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट करके राजनीति का अध्ययन किया है, उनके पास चलो। शुक्राचार्य जिस शास्त्र को जानते हैं तथा देवगुरु विप्रवर बृहस्पति को जिस शास्त्र का ज्ञान है, वो संपूर्ण शास्त्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने व्याख्या सहित प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके महाबाहु भीष्म ने भृगुवंशी च्यवन तथा महर्षि वशिष्ठ से वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन किया है। इन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र उद्दीप्त तेजस्वी सनत कुमार जी से, जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले हैं, आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा पाई थी। पुरुष प्रवर भीष्म ने मार्कंडेय जी के मुख से संपूर्ण यति धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और परशुराम तथा इंद्र से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई है। मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी इन्होंने मृत्यु को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया है। संतानहीन होने पर भी इनको प्राप्त होने वाले पुण्य लोक देवलोक में विख्यात हैं। पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि सदा उनके सभासद रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका उन्हें ज्ञान ना हो। सूक्ष्म धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वो धर्मवेत्ता भीष्म तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे। वो धर्मज्ञ महात्मा अपने प्राणों का परित्याग करें इसके पहले ही तुम उनके पास चलो। उनके ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान दूरदर्शी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने वक्ताओं में श्रेष्ठ सत्यवती नंदन व्यास जी से कहा। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, मैं अपने भाई बंधुओं का ये महान एवं रोमांचकारी संहार करके संपूर्ण लोकों का अपराधी बन गया हूं। मैंने इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश किया है। भीष्म जी सरलता पूर्वक युद्ध करने वाले थे, तो भी मैंने युद्ध में उन्हें छल से मरवा दिया। अब फिर उन्हीं से मैं अपनी शंकाओं को पूछूं, क्या इसके योग्य मैं रह गया हूं? अब मैं किस हेतु से उन्हें मुंह दिखा सकता हूं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब परम बुद्धिमान महाबाहु यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की इच्छा से नृपति शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, अब आप अत्यंत हठपूर्वक शोक को ही पकड़े ना रहें। भगवान व्यास जो आज्ञा देते हैं वही करें। हे महाबाहु, जैसे वर्षा काल में लोग मेघ की ओर टकटकी लगाए देखते हैं, उससे जल की याचना करते हैं, उसी प्रकार ये सारे ब्राह्मण और आपके ये महातेजस्वी भाई आपसे धैर्य धारण करने की प्रार्थना करते हुए आपके पास बैठे हैं। महाराज, मरने से बचे हुए राजा लोग और चारों वर्णों की प्रजाओं से युक्त ये सारा कुरुजांगल देश इस समय आपकी सेवा में उपस्थित है। शत्रुओं को मारने और संताप देने वाले नरेश, इन महामना ब्राह्मणों का प्रिय करने के लिए भी आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। आप अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास की आज्ञा से हम सुहृदयों का और द्रौपदी का प्रिय कीजिए तथा संपूर्ण जगत के हित साधन में लग जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कमल नयन महामनस्वी राजा युधिष्ठिर संपूर्ण जगत के हित के लिए उठ खड़े हुए। पुरुष सिंह, साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देवस्थान
अर्जुन तथा अन्य बहुत से लोगों के समझाने बुझाने पर महायशस्वी युधिष्ठिर ने मानसिक दुख और संताप को त्याग दिया। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश को सुना था, वेद शास्त्रों के ज्ञान की तो वो निधि ही थे। सुने हुए शास्त्रों तथा सुनाने योग्य नीति ग्रंथों के विचार में भी वो कुशल थे। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय करके मन में पूर्ण शांति पाली थी। नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान राजा युधिष्ठिर वहां आए हुए सब लोगों से घिरकर धृतराष्ट्र को आगे करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चल दिए। नगर में प्रवेश करते समय धर्मज्ञ कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने देवताओं तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर कंबल और मृगचर्म से ढके हुए एक नूतन उज्जवल रथ पर, जिसकी पवित्र मंत्रों द्वारा पूजा की गई थी तथा जिसमें शुभ लक्षण संपन्न 16 सफेद बैल जुते हुए थे, वो बंदीजनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उसी प्रकार सवार हुए जैसे चंद्रदेव अपने अमृतमय रथ पर आरूढ़ होते हैं। भयानक पराक्रमी कुंती पुत्र भीमसेन ने उन बैलों की रास संभाली। अर्जुन ने तेजस्वी श्वेत छत्र धारण किया। रथ के ऊपर तना हुआ वो श्वेत छत्र आकाश में तारिकाओं से व्याप्त श्वेत बादल के समान शोभा पाता था। उस समय माद्री के वीर पुत्र नकुल और सहदेव ने चंद्रमा की किरणों के समान चमकीले रत्नभूषित श्वेत चवर और व्यंजन हाथों में ले लिए। राजन, वस्त्राभूषणों से विभूषित ये पांचों भाई रथ पर बैठकर मूर्तिमान 5 महाभूतों के समान दिखाई देते थे। हे नरेश्वर, मन के समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए शुभ्र रथ पर आरूढ़ हो युयुत्सु ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले। शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए सुंदर सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी सहित श्री कृष्ण भी कौरवों के पीछे पीछे गए। भरतनंदन, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पिता गांधारी सहित पालकी में बैठकर उनके आगे आगे जा रहे थे। इन सबके पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की वो सभी स्त्रियां यथा योग्य भिन्न भिन्न सवारियों पर चढ़कर चल रही थीं। इनके पीछे विदुर जी थे जो इन सबकी देखभाल करते थे। तदनंतर इन सबके पीछे हाथी और घोड़ों से विभूषित बहुत से रथी, पैदल और घुड़सवार सैनिक चल रहे थे। इस प्रकार वैतालिकों, सूतों और माघदों द्वारा सुंदर वाणी में अपनी स्तुति सुनते हुए राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। महाबाहु युधिष्ठिर की यह सामूहिक यात्रा इस भूतल पर अनुपम थी। उसमें हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। भीड़ पर भीड़ बढ़ती चली जाती थी और बड़े जोर से जय घोष एवं कोलाहल हो रहा था। राजा युधिष्ठिर की इस यात्रा के समय नगर निवासी मनुष्यों ने समूचे नगर तथा वहां की सड़कों को अच्छी तरह से सजा दिया था। सफेद मालाओं तथा पताकाओं से नगर भूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था और धूपों की सुगंध फैलाई गई थी। राजमहल के आसपास चारों ओर सुगंधित चूर्ण बिखेरे गए थे। नाना प्रकार के फूलों, बेलों और पुष्पहारों की बंधनवारों से उसे अच्छी तरह सुसज्जित किया गया था। नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नूतन एवं सुदृढ़ कलश रखे गए थे और जगह जगह सफेद फूलों के गुच्छे रखे गए थे। अपने सुहृदयों से घिरे हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार सजे सजाए द्वार वाले नगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय सुंदर वचनों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का नगर प्रवेश विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। Yeah.
यथार्थ मोक्ष।